सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसन टेक्निकल रॉक स्टार। सो आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा। सो जैसे कि यदि आपके पास एक एमआई का मॉडल है, एमआई या रेडमी कोई भी मॉडल है, एमआई का ही मॉडल है वैसे तो रेडमी, यदि आपके पास कोई भी एमआई का मॉडल है और आप अपने फोटो को ऐड करना चाहते हो, यानी आपके पास कोई यानी अपने बहुत सारे फोटो हैं, किसी के भी फोटो हैं, उनको आप अपने फ़ोन में ऐड करना चाहते हो ताकि कोई भी उन फोटो को ना देख ले, कोई भी उन फोटो को ना देख सके, तो आप उन फोटो को कैसे ऐड कर सकते हो। सो इसके लिए आप कहीं यानी अपने फाइल मैनेजर में देखते हो कोई यानी कैसे ऐड करें, या फिर यानी फाइल मैनेजर सेटिंग वगैरह ऐसी आप देखते रहते हो कि कहाँ से अपने फ़ोटो को ऐड करें। बट मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोटो को आसानी से ऐड कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट से कर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आप अपने फ़ोटो को ऐड नहीं कर पाओगे। सो वीडियो को स्टार्ट से कर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल रॉक स्टार। सो आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आप अपने फोटो को रेडमी मॉडल में कैसे ऐड कर सकते हो। जो ये मेरा मॉडल है वो रेडमी मॉडल है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फोटो को ऐड कैसे कर सकते हो। सो इसके लिए आपको ना तो कोई ऐप डाउनलोड करनी जरूरत है, कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी है, ना आपको सेटिंग में जाना है, ना आपको फाइल मैनेजर में ना जाना है, कुछ में भी नहीं जाना। आपको सिंपली अपने गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से उन फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आपको डिलीट करना है। जैसे मैं अपनी इन वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी आपको ऐड करना ऐड जिन फ़ोटो को ऐड करना है या वीडियो को ऐड करना है, किसी को भी आप ऐड कर सकते हो आसानी से। जैसे मैं इन ऑल वीडियो को अपने ऑल वीडियो फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टू एल्बम। आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सॉरी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेट एल्बम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ये इंटरफेस ओपन होता है। सो इसमें आपसे ये कुछ आपका पासवर्ड पूछता है। आपको यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे देना है अपना, पैटर्न में कुछ भी है भी। सो आपको यहाँ पर कोई पासवर्ड दे देना है। जैसे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, इसमें जैसे मैंने ये पासवर्ड दे दिया है। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं देना, आपको कुछ और पासवर्ड देना है, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है इसको। इसके लिए आपको अगर आपको ये पासवर्ड आपका सही है तो आपको कन्फर्म के लिए एक बार आपको पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैंने इनको डाल दिया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो एम आई का जो मॉडल होता है, एम आई या रेडमी, उसमें एम आई अकाउंट की इसमें परमिशन मांगता है, एम आई अकाउंट से चलता है, तो आपको इसे ऐड कर देना है। आपको अपना एम आई अकाउंट इसमें डाल देना है, ऐड कर देना है। मैंने इसमें एम आई अकाउंट अपना ऐड किया हुआ है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो जैसे मैं अब ये मेरा बन चुका है फोल्डर, अब मैं इसको अपना इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा। इसके बाद अब आपसे पूछता है कि अगर आपको अपना पासवर्ड बार बार नहीं डालने के लिए आपको अगर अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो आप यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको गॉट इट कर देना है। गॉट इट पर जाने के बाद अब आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटो और वीडियो, इसके बाद आपको आपकी यानी आपकी जो फ़ोटोज वीडियो हैं वो आपकी हाइड हो चुकी है। अब आपको वो फ़ोटो और वीडियो कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो वो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को स्लाइड डाउन करना है, यानी आपको यूँ करना है, कुछ ऐसा टाइप का करना है, यानी अपने फ़ोन को इस तरह करना है। इस तरह करने के बाद आपके सामने कुछ ये इंटरफेस ओपन होता है। सो इसमें आपने जो पासवर्ड डाला था वो आपको पासवर्ड इस पर यानी डाल देना है। यहाँ पर वो पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो फ़ोटो और वीडियो है जो आपने हाइड किए हैं, वो फ़ोटो और वीडियो आपके यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अब अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, फिर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है, फेस लॉक लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बैक आ जाना है अपने यानी प्राइवेट एल्बम को छोड़कर आपको बैक आ जाना है सिंपल गैलरी में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ये इंटरफेस ओपन होता है, यानी ये ऑप्शन जाते हैं कॉलेज क्लिप फ्री अप स्पेस शॉर्ट ग्रिड व्यू एंड सेटिंग। तो आपको सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले आपको अपने साइन ऑटोमेटिकली जो आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको यानी ऑन कर लेना है। इसके बिना आपका जो प्राइवेट एल्बम है जो वो आपका नहीं ओपन हो पाएगा, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए सो साइन ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पर ऑप्शन को तो आपको ओपन कर लेना है।
इसके बाद आपको अपने पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट वगैरह लगाने के लिए आपको इसे दोबारा स्लाइड डाउन करना है इन गैलरी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, जो अपने पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आने ये ऑप्शन आ जाते हैं आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो। तो इसमें क्या करना है आपको अपना, अगर ये पासवर्ड जो है यानी सिक्योरिटी प्राइवेट एल्बम जो वाला है, अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको इसे बंद कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आपको अगर वो वाला जो ऑप्शन करना है यानी आप जब पासवर्ड डालोगे तो आपको यानी जो भी आप यानी पैटर्न वाला पासवर्ड, तो आपको पैटर्न आप बनाओगे बट वो आपका शो नहीं होगा। पैटर्न में जब आप लाइन बनाओगे, आप जो पैटर्न बनाओगे वो आपकी शो नहीं होगी लाइन, तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हो। एंड एमआई अकाउंट को ऐड करने के लिए, आप एमआई अकाउंट तो ऐड है आपका, तो इसके लिए आप इसको कर सकते हो। एंड फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आप इसको कर सकते हो, फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे इसको इनेबल करके आप अपने फिंगरप्रिंट को इसमें सेट कर लीजिए। सो इस तरह आप अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो एंड फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो, एमआई अकाउंट भी लगा सकते हो, पासवर्ड को शो भी कर सकते हो एंड बंद भी कर सकते हो। एंड अपने प्राइवेट एल्बम बनाकर आप अपने किसी भी पासवर्ड को यानी किसी फ़ोटो को, सॉरी किसी फ़ोटो को, आप अपने फ़ोटो या वीडियो पिक्चर कोई भी है आप उसको हाइड कर सकते हो। सो इस तरह आप अपने फ़ोटो वीडियो यानी एल्बम वगैरह कुछ भी को आप हाइड आसानी से कर सकते हो। सो इस तरह आप अपने किसी भी फ़ोटो को हाइड कर सकते हो, फोटो वीडियो एंड एल्बम वगैरह कुछ को भी, किसी को भी आप हाइड कर सकते हो एंड उसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, सो पैटर्न वाला जो ऑप्शन है आपको वो भी इनेबल आप इनेबल कर सकते हो एंड डिसेबल कर सकते हो। सो इस तरह आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको एमआई अकाउंट के यानी हाइड एल्बम प्राइवेट एल्बम में मिल जाते हैं। सो इस तरह आप अपने किसी भी फोटो एंड वीडियो को आसानी से ऐड कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो जब तक के लिए जय हिंद।